अशोक भाई गुजरात से आए हैं, कच्छ से आए हैं, गुजरात के मोदी जी और गुजरात के अशोक भाई इस दिन को बहुत खास बना रहे हैं इसके जरिए आप। इस दिन को तो खास बनाना है, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा जो अपना हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष ये दिन को खास बनाने के लिए उत्सुक है। और 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में, अपने महल में विराजमान होंगे, तो उस दिन इसी तरह के राम नाम के फूलों से हम रामलला का जो है श्रृंगार करेंगे। अशोक भाई, ये विचार आया कहाँ से, मतलब ये विचार कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि मेरे फूलों पर प्रभु राम की तस्वीर छप जाए? सर, सबसे पहले जब मोदी जी ने आह्वान किया एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेक इन इंडिया, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको बाहर लाना जरूरी था, तो ये काम किया हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने। फिर हमें भी कुछ विचार आया कि क्यों ना हम भी कुछ नया करें, जो कहीं पे वर्ल्ड में कहीं पे ना हो, ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम है। फिर हमने फूलों के ऊपर R&D करना शुरू की, करीबन 3-3.5 साल के बाद हमें इसमें कामयाबी मिली, और उसी समय पे भूमि पूजन, रामलला का भूमि पूजन हुआ, तो सबसे पहले हमने ये 500 गुलाब के फूल रामलला को अर्पण किए थे। 5 अगस्त 2020 को भी आपने भेजे थे? हाँ जी, हाँ जी, ओके, ओके। ये किया था, और उसके बीच में हमने पूरा ये टेक्नोलॉजी कहीं पे इतना कुछ सेल नहीं किया है, फ्लावर्स वगैरह हमने संभाल के रखे थे। हमारे लिए उत्सुकता का विषय है अशोक भाई, बताइए कैसे करते हैं, मतलब हम जन्मदिन पर देखते हैं कि हमें गिफ्ट के तौर पर कप मिलता है, उस पर तो हमारी तस्वीर रहती है, क्या वही टेक्नोलॉजी है फूलों पर इन आकृतियों को उकेरने की, और नजदीक आके बताइए। जी नहीं, ये हमने एक लेंस टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जब आप कप वगैरह पे देखते हो उसको तो हीट करके या आर्टिफिशियल कुछ भी हम कर सकते हैं, ये इतना सेंसिटिव है, जैसे एक दिन का जो बच्चा होता है उसकी स्किन जितनी सेंसिटिव है उससे भी ज्यादा ये सेंसिटिव है। हमने एक लेंस टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और उस लेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसके ऊपर ये पूरा आर्ट कर सकते हैं, और इसमें मशीनों का काम है करीबन 10% है, और 90% इसमें मैन्युअली हाथों से काम होता है। अच्छा जी, हाथों से बनाते हैं आप? 90% काम इसमें हाथों से होता है, मैन्युअली होता है। तो अशोक भाई, कितने फूल आप उपलब्ध करवाएंगे उस मौके पर जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी? देखिए, ट्रस्ट की तरफ से 8 से 10 हजार फ्लावर्स का कहा गया है, लेकिन करीबन 3 से 3.5 हजार फूल हम बना पाएंगे उस दिन। और इसके साथ साथ जैसे आप फूल देख पा रहे हो, इस तरह से नेचुरल जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ और पौधे, तो उसके पत्तों के ऊपर भी हम भगवान राम का, रामलला, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उससे भी डेकोरेशन होगी, उसमें भी डेकोरेशन। तो ये काम अशोक भाई अकेले करेंगे या उनके साथ और लोग भी हैं? मेन काम जो लेंस टेक्नोलॉजी में, तो हमारी मेरी वाइफ है कविता भानुशाली, वो करते लेंस बनाते हैं, और उसके पीछे का जो काम होता है वो फिर हमारी टीम करती है, मैं करता हूँ, मेरी टीम करती है, लेकिन जो लेंस बनाने का काम है वो कविता जी करती है। मैम, रामलला के लिए करते हुए कैसा अनुभव हो रहा है, मन में क्या विचार आ रहे हैं? इस वक्त जो हमें खुशी मिल रही है उसको हम कोई शब्द में बयान नहीं कर पा रहे, वी आर सो लक्की कि हमें ये मौका मिल रहा है। एक राम भक्त का मन इस वक्त द्रवित है ये सोचकर कि उनके रामलला का इंतजार खत्म हो रहा है, 500 वर्षों की तपस्या खत्म हो रही है, तो क्यों ना हम भी अपनी तरफ से योगदान दे, जितना भी दे सकते हैं, यही विचार है जी। अशोक भाई, और थोड़ा सा बताइए आप इन फूलों के बारे में, मतलब इसमें हमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नजर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और राम मंदिर की भी, इस पर आपने लिखा है रामलला आत्मनिर्भर भारत। कब से कम ये काम कर रहे हैं अशोक भाई आप? ये टेक्नोलॉजी करीबन 4 साल जैसे हो गए हमने जो रेडी किया है, इसमें अभी भी और भी कुछ नया करने का प्लानिंग चल रहा है। क्या नया करेंगे अशोक भाई? जैसे पहले फूलों के ऊपर किया था, अभी जैसे प्लांट पेड़ पौधों के ऊपर किया है, और जैसे ये फूल है वो करीबन 12 से 15 दिन रहते हैं, लेकिन हम ऐसा भी काम करना चाहते हैं कि ये फूलों को सालों पर इसको संभाल के रखा जा सके, तो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। अशोक भाई, मोदी जी से मिले हैं कभी? मोदी जी से 1-to-1 मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन हमारी इच्छा है कि ये अपना रामलला का जब 22 तारीख को अपने मंदिर में विराजेंगे, उसके पहले हम कोशिश करें कि एक बार हम हमारे आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले, और उनके सामने भी हमारी ये जो कला है वो रखे। गर्व होता है ये सोच कर कि जो कोई नहीं कर पाया वो गुजरात के नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो राम भक्तों का इंतजार समाप्त कर रहे हैं। एकदम 100% आपकी बात सही है, गर्व तो इतना हो कि उसको हम लोग शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जैसे अपने मोदी जी है, तो अगर भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की हम जोड़ी अगर ये कहे, तो मोदी जी हमारे भगवान राम स्वरूप है, अमित भाई शाह लक्ष्मण, और हमारे आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, वो हनुमान जी, तो राम और हनुमान, मोदी जी और योगी जी, ये जोड़ी हर हमेशा अमर रहेगी। अशोक भाई, आपसे एक बात कहूं, आप जो ये काम कर रहे हैं रामलला के लिए, आपके चेहरे पर वो भाव भी दिख रहा है, वो प्रसन्नता दिख रही है, कि एक तो होता है कोई काम करना है, एक होता है कोई काम दिल से करना है, ये काम दिल से कर रहे हैं। ये काम हम दिल से कर रहे हैं, एकदम दिल से। ठीक है अशोक भाई,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो अशोक भाई ने फूलों को आकार दे दिया है, गुलाब के इन फूलों पर आकृतियां उकेर दी हैं। 22 जनवरी को रामलला को ये पुष्प अर्पित किए जाएंगे, उनके गर्भगृह का श्रृंगार होगा, राम मंदिर का श्रृंगार होगा। और हम उम्मीद करेंगे कि अशोक भाई का जो सपना है, जो उनकी इच्छा है प्रधानमंत्री मोदी से 1-to-1 मिलने की, उनकी मुलाकात भी हो पाए, ताकि उनकी कलाकारी को या फिर उनके हुनर को प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी आंखों से देख पाए। कैमरामैन जगदीश के साथ अमित गर्ग शुक्ला, न्यूज 18 अयोध्या।